दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के सुदूर छोर पर स्थित गुम्मनहेड़ा एक ऐसा गांव है जो पिछले कुछ दशकों से हॉकी के लिए जाना जाता है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा गांव में हॉकी प्रतिभाओं के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ के मैदान का निर्माण किया गया है। स्थानीय सरकारी स्कूल में यह मैदान उसी जगह विकसित किया गया है जहाँ गाँव की पिछली पीढ़ी ने हॉकी खेलना सीखा और नए कीर्तिमान स्थापित किए। आज इस हॉकी टर्फ के कारण गांव की नई पीढ़ी में हॉकी के लिए एक नया जोश है, एक नई उमंग है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। यह हॉकी टर्फ देश का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान है जो किसी सरकारी स्कूल में बनाया गया है। इस मैदान के होने से गांव में हॉकी खेलने के स्तर में सुधार आया है, साथ ही साथ नई पीढ़ी का रुझान इस खेल की ओर बढ़ा है। यहाँ के कोच इस नई उपलब्धि से खुश है और खिलाड़ियों में एक नए जोश और नई उमंग को तराश रहे हैं। इस साल जूनियर और सब जूनियर मिला के 15 बच्चे यहाँ से नेशनल रिप्रेजेंट किया है 15 बच्चों ने। अब जब यहाँ मेहनत और आप देख रहे हो कोई भी इवेंट, नेशनल लेवल की इवेंट, इंटर जोन की इवेंट, जो एस्ट्रो टर्फ पे है, आप नेहरू कोई भी अच्छा कंपटीशन आप देखोगे तो इसी इस तरह के ग्राउंड पे एस्ट्रो टर्फ पे ही होते हैं सारे। हमारे पास क्या था, साल में 8 से 10 प्रैक्टिस मैच मिलते थे मुश्किल से वो इवेंट्स के दौरान, तब हम और टीमों को कंपटीशन भी नहीं दे पाते थे। अब आप देखोगे हम दिन रात इस पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छे से उनको कम्पीट कर पाएंगे और बीट भी करेंगे। और रिजल्ट अब इस साल 15 खेले हैं तो हम कोशिश करेंगे इस साल कम से कम 20 से 25 बच्चे नेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे और सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, मेडल भी लेके आएंगे। हॉकी ने गांव को एक नई पहचान दी है और आज गुम्मनहेड़ा के युवा अपने खेल के दम पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। कई खिलाड़ी हॉकी के दम पर सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। हॉकी ने गांव की युवा पीढ़ी को एक नई सोच दी है जो शिक्षा के समानांतर एक स्वर्णिम भविष्य का रास्ता भी खोल रही है। इस मैदान के आने से उन सारे प्रयासों को बल मिला है जो समाज में शिक्षा और खेल के सामंजस्य को भविष्य निर्माण का एक अहम अंग बताते हैं। ये जो हॉकी का ट्रैक बनाया है इससे गांव को, गांव के बच्चों को, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अभी हम देख रहे हैं 20-25 साल से जब ये ट्रैक नहीं बना था तो बच्चे खाली ग्राउंड में ही खेल करके इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। जो रेलवे के अंदर और दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब के अंदर कार्यरत हैं। इससे हमारे गांव को भी फायदा हुआ है, आसपास के गांव में भी इस खेल की ख्याति गई है। और तब मैं खेलता था, इधर ग्राउंड की बहुत दिक्कतें होती थी, हम खेलने के लिए नेशनल या इंटरनेशनल उधर जाते थे शिवाजी स्टेडियम में। यहाँ से हमारे गांव में इधर ग्राउंड होने के कारण इससे बहुत अच्छा सुविधा, हम टारगेट रखते ओलंपिक तक खेलने का। गुम्मनहेड़ा हॉकी में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, सभी रेलवे में जॉब करते हैं, कोई नेवी में जॉब करता है। यहाँ पर बहुत अच्छी हॉकी चल रही है काफ़ी सालों से, यहाँ पर काफ़ी अच्छे नेशनल खिलाड़ी निकले हुए हैं। और अब यहाँ पर ग्राउंड टर्फ लगने से बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। पहले बहुत दूर दूर तक प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता था जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफें उठानी पड़ती थी, अब यहाँ पर ग्राउंड है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। हॉकी के इस मैदान को विकसित कर दिल्ली सरकार ने न सिर्फ इस गांव को बल्कि इस देश को भी एक उपहार दिया है जहां से इस राष्ट्रीय खेल के भविष्य को संवारा जा रहा है। इलाके के विधायक जो खुद भी उसी हॉकी के प्रतिनिधि रहे हैं ने इस मैदान को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली सरकार का ये कदम भारतीय हॉकी के स्वर्णिम इतिहास का एक पन्ना है जिस पर सरकार और शहर दोनों को गर्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुम्मनहेड़ा गांव जो कि दिल्ली के अंदर मटियाला विधानसभा में उपस्थित है, 1992 से यहां पर हॉकी खेलनी शुरू की थी यहां के बच्चों ने। और नरेश कुमार जी यहां पर जो कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए आए थे और वो उन्होंने उनका खुद का इंटरेस्ट था कि हॉकी यहां पे खिलाई जाए और 1992 में उन्होंने हॉकी खिलानी शुरू की। उसके बाद नेहरू कप विन किया गुम्मनहेड़ा की टीम ने और काफ़ी सारे बच्चे 92 से लेकर लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे आर्मी हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में गुम्मनहेड़ा से और गुम्मनहेड़ा के आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे वो रावता हो, झुलझुली हो, दरियापुर हो, शिकारपुर, ये आसपास के गांव के बच्चे निरंतर रूप से गुम्मनहेड़ा के इस हॉकी ग्राउंड से निकल के
देश का और अपने गांव का नाम रोशन किया है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस सरकार का एक हिस्सा हूं और खासतौर से मैं हॉकी से जुड़ा रहा हूं, मैं हॉकी खेलता रहा, इसलिए एक मन में एक लो थी, एक मन में कुछ कार्य करने की एक हॉकी को लेकर एक जज्बा था और उस जज्बे का ही आज परिणाम है कि इस सरकार ने जो प्रयास किया और इस सरकार ने जो साथ मेरा दिया है। घुमनेड़ा गांव के अंदर 7,45,00,000 रुपए की लागत से एस्ट्रो ट्रफ जो बिछाया गया है तो ये एक खूबसूरत, मैं कहूँगा कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में पूरे हिंदुस्तान में पहला सरकारी स्कूल इस सरकार ने दिया है जिसके अंदर हॉकी खेलने का एस्ट्रो ट्रफ यहाँ पर लगाया गया है और आज वहाँ पर एक त्यौहार जैसा माहौल, पूरे ग्रामीण देहात से दूर दराज से बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और दिन रात बच्चे वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। खुद मेरा बेटा वहाँ पर हॉकी खेलता है जो कि गोलकीपर वहाँ की टीम का है, तो बहुत खूबसूरत एक माहौल घुमनेड़ा गाँव में दिल्ली सरकार द्वारा ये किया गया है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया मुझे कार्य करने के लिए। और सही मायने में मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद, जिनको बाबा के नाम से जाना जाता है, दादा के नाम से जाना जाता है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का कार्य मेजर ध्यानचंद ने किया था, और मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार द्वारा दादा के लिए इतनी बड़ी सौगात अगर मैं कहूँ कि दिल्ली सरकार ने दी है तो मेजर ध्यानचंद जी को याद करने के लिए किसी भी सरकार द्वारा इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता। तो इस काम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता था कि हिंदुस्तान में हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से हॉकी को और पॉपुलराइज किया जा सकता है। तो हम सभी उन लोगों का जो एक जानकारी रखते हैं हॉकी के बारे में वो यही इस बारे में कहते रहे हैं कि जब तक हॉकी स्कूलों में नहीं पहुंचेगी, कॉलेज में नहीं पहुंचेगी, यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचेगी, हमारे उन क्षेत्रों में नहीं पहुंचेगी जहां इसको एक खेल के रूप में खेला जाता है, तब तक हॉकी को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और इसमें हमको हॉकी इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट संस्थाने सबकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, पड़ेगी। और मुझे जानकर बेहद खुशी हुई, जिसके बारे में अक्सर मैं कटाक्ष भी किया करता था कि जब तक हमारे स्कूलों में हॉकी नहीं पहुंचेगी हमारे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और मुझे जानकर बेहद खुशी हुई है घुमनखेड़ा के एक सरकारी स्कूल में दिल्ली सरकार ने उसमें अपने योगदान से एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड को वहाँ पर स्थापित किया। ये स्थापना पहली स्थापना के रूप में नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं इसको एक स्कूलों में खेल के और ख़ासतौर से हॉकी के प्रति जो क्रांति जिसमें हॉकी आगे बढ़नी है वो मैं उसके रूप में देख रहा हूँ। और मैं इसको इसके लिए दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी और सभी उन लोगों का जो इसमें जुड़े रहे, जिन्होंने कम से कम सरकार को एक इस काम को करने के लिए प्रेरित किया, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने भी ग्राउंड के कुछ कट ऑफ देखे, उसके पिक्चर्स देखी मैंने, बेहद खूबसूरत जगह पे ग्राउंड बना है और सरकारी स्कूल में बना है। सबसे बढ़कर जानकर ये खुशी है कि सरकार ने इस पर अपना तवज्जो देना शुरू किया है। इस तरह से इसको देखते हुए दूसरी सरकारें, दूसरे प्रदेशों की सरकारें भी अपने अपने स्कूलों में, मैं सरकारी स्कूलों की बात करता हूँ, चाहे तो प्राइवेट स्कूल इस बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उनको करने वाला वहाँ पर शायद उनको मोटिवेट करने वाले इस तरह के लोग नहीं हैं जो हॉकी को आगे बढ़ा सकें, करवा सकें। बहरहाल ये एक कदम सरकार का अपने प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए खासतौर से, आने वाले वक्त में दूसरे स्टेटों पे जो वहाँ की सरकारें और सीएम और खेल मंत्री और खेल से जुड़े लोग इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। खेल हर एक को आगे बढ़ना है लेकिन हॉकी हमारा एक ऐसा खेल है जिसमें हमें एक कम से कम गर्व होता है कि हमारे देश ने इसमें कुछ ओलंपिक के मेडल जीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश नहीं विदेशों में पूरे विश्व के अंदर अपना नाम किया है और आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है घुमनखेड़ा और वहाँ के सब संस्थापकों को और खेल प्रेमियों को, इसको आगे बढ़ाने वालों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पहले हमारा ग्राउंड मिट्टी का था, यहाँ पे ट्रफ आने के बाद हमारे में बहुत परफॉर्मेंस में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और फिर सब यहाँ से वैसे पहले भी बहुत सारे बच्चे निकले हैं हमारे सीनियर, जैसे कि राजू भाई और भी बहुत से अजय सर जो नेवी में लग रखे हैं, और इस ट्रफ आने से हमें और भी फ़ायदा होगा, यहाँ के और भी बच्चे बाहर निकलेंगे, आगे जाएंगे खेलने। हमारे यहाँ पे ऐसा पहली बार हुआ कि एक देहात के एक गाँव में इतना बड़ा खर्चा किया गया है। हमें पहले जब ये टर्फ नहीं था, हमें इतना
दूर इतना टाइम खर्च करके हमें शिवाजी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम जाना पड़ता था। कम से कम ढाई घंटे तो आराम से लग जाते थे। अब यहाँ पे टर्फ आया है, हम चाहते हैं यहाँ से बच्चे निकले। वैसे भी हमें सीनियर से इतनी इंस्पिरेशन मिली है, सब इंटरनेशनल प्लेयर्स है, डिफेंस में है, नेवी में है, रेलवे में है। ये चाहते हैं कि यहाँ से और प्लेयर निकले। यहाँ के बच्चों को पैसे से मतलब नहीं है, यहाँ के बच्चे जुनूनी है हॉकी के लिए। हमें हमारा पैशन है हॉकी। इट्स नॉट ए जस्ट ए गेम, इट्स अवर लाइफ। हमारे जो सीनियर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आज वे हर डिफेंस में जॉब है, जिनको इंडियन नेवी है, आर्मी है और BSF में भी जॉब लग चुके हैं। हमारा बस एक ही मकसद है कि हम आगे जाके हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले जैसे ही इसको टर्फ बना तो बच्चों को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि पूरे देश का हमारा ये पहला विद्यालय है जहाँ एस्ट्रो टर्फ का ग्राउंड हॉकी का बन गया। तो इस तरह से हमारे विद्यालय में नामांकन भी बढ़ गया है किस एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड के आने के कारण। और बच्चों को अब ये लगता है, उनका समय भी बचने लगा है, तो पढ़ाई में वो ज़्यादा समय दे पाते हैं, खेल में भी ज़्यादा समय दे पाते हैं, तो दोनों में बेहतर संतुलन हो गया। ग्रामीण और गाँव के बुजुर्ग जो अपने जीवन की संध्या की ओर अग्रसर हैं, इस हॉकी के मैदान को एक नई सुबह और नए जीवन की तरह देखते हैं। यह मैदान उनके लिए सम्मान है, गौरव है और भविष्य निर्माण का एक स्थल है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, हॉकी का हमारे गांव को एक विशेष योगदान है। हमारे पेरेंट्स इस ट्रैक बनने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। भविष्य के परिप्रेक्ष्य में बच्चों में तो एक सपना है उनकी आँखों में, उनके मन में बसा हुआ कि अगर हम अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपने आप को तैयार कर पाएंगे पढ़ाई के साथ साथ, तो हमारा भी ये हो पाएगा कि मैं भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकूंगा इस खेल के माध्यम से। हॉकी हिंदुस्तान की धरोहर है, जो राष्ट्रीय खेल तो है ही, एक संस्कृति भी है। गुमनहेड़ा गांव उसी संस्कृति को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यह एस्ट्रोटर्फ एक वरदान साबित हो सकता है, जहाँ से कोई ध्यानचंद तो कोई अशोक कुमार तो कोई ऋतु रानी के रूप में भविष्य में निकलते हुए दिखाई देंगे।